साथियों नमस्कार, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों आज हम लेकर आए हैं एक्यूप्रेशर का द्वितीय कड़ी, श्रृंखला के द्वितीय कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्यूप्रेशर का इतिहास। इससे पूर्व के कड़ी में हमने एक्यूप्रेशर के अर्थ और परिभाषा, चूंकि एक्यूप्रेशर वैकल्पिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और साथियों एक्यूप्रेशर को 21वीं सदी का चिकित्सा पद्धति हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस सदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक वरदान के रूप में जो सिद्ध हो रही है वो है एक्यूप्रेशर। तो क्यों ना हम उसकी इतिहास के बारे में जानें और इसके इतिहास को जानकर हम लोग गौरवान्वित हों। मित्रों एक्यूप्रेशर जिसके परिभाषा और जिसके अर्थों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें एक्यू मीन्स होता है सूक्ष्म बिंदु, छोटा सा स्थान, और छोटा सा स्थान आपके शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, उन छोटे से बिंदुओं पर दबाव, प्रेशर मीन्स अप्लाई फोर्स, दबाव देना, यह है प्रेशर। एक्यू सूक्ष्म बिंदुओं पर दबाव देकर के उपचार करने की विधा को एक्यूप्रेशर कहा गया है। एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति कहां से हुई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस कड़ी में, और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि आप में बहुत सारे पक्ष इसमें जान पाएंगे। अर्थ परिभाषा तो पहले प्रथम कड़ी में था, द्वितीय कड़ी में एक्यूप्रेशर के इतिहास, जिसमें हम लोग अपने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और हमारे प्राचीन और भी आर्ष ग्रंथ है, उन आर्ष ग्रंथों में एक्यूप्रेशर में कौन सी बात कही गई है, हमारे ऋषियों ने सूत्र रूप में उन सूत्र रूपी सिद्धांतों को हमको देखना है, और वर्तमान में ऋषियों ने जो एक्यूप्रेशर का जो सूत्र दिया वो इतिहास में किस प्रकार से है, क्योंकि ऋषियों ने हमारे एक्यूप्रेशर को कोई बिजनेस का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसको एक जीवन पद्धति के रूप में पिरोया है। उसे जीवन पद्धति में किस प्रकार से हम देख पाते हैं, किस प्रकार से समझ पाते हैं, इसको इस कड़ी में हम लोग देखेंगे। साथियों इसके विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल है योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित तौर से आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। इसमें योग के बहुत सारे पक्षों के बारे में चर्चा किया गया है, अब एक्यूप्रेशर की श्रृंखला और मुद्रा चिकित्सा की श्रृंखला भी चल रही है, तो आपके ज्ञान वर्धन के लिए और विथ प्रैक्टिकल हम आपके प्रैक्टिकल पक्षों का इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसलिए साथियों आप लोग अंतिम तक इस वीडियो को देखिए और जानिए एक्यूप्रेशर का इतिहास। हमारे एक्यूप्रेशर का इतिहास अद्भुत है और प्राचीन है, और सबसे प्राचीनतम हमारा अपना ही इतिहास है। एक्यूप्रेशर का इतिहास अद्भुत है, और इस अद्भुत इतिहास को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में मैंने पूर्व में चर्चा किया था, और यह हमारे सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। चूंकि एक्यूप्रेशर परंपरागत, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, इस पद्धति से हमको प्राप्त हुई है, तो इस चिकित्सा पद्धति जो परंपरागत तरीके से हमें प्राप्त है, और चूंकि ये एक्यूप्रेशर जो है वैकल्पिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, और इसी को हमने एक्यूप्रेशर को 21वीं सदी के चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। अब यदि हम एक्यूप्रेशर के इतिहास को देखें तो हम अपने चिकित्सा शास्त्र के प्राचीनतम इतिहास पे दृष्टिपात करते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के प्राचीनतम जो ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों वेदों की रचना किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद पंचम एक और वेद की रचना किया, चूंकि चार वेद जो है ज्ञान विज्ञान के धाराओं के लिए था, व्यक्ति की व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, उनकी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए था, किंतु जो पंचम जो उपवेद की रचना की गई, उस उपवेद का केवल एक उद्देश्य रहा है, वह है स्वास्थ्य। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, चाहिए इन उद्देश्यों को लेकर के ब्रह्मा जी ने इस पंचम उपवेद की रचना किया, और ये परंपरागत रूप में हमें चरक और सुश्रुत महर्षि के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। हमारे प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ में जिसमें चिकित्सा के सारे रहस्य हैं, इसलिए आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद का शास्त्र है, इसे चिकित्सा शास्त्र तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसमें जीवन दर्शन का विज्ञान कहते हैं, जीवन दर्शन का ग्रंथ कहते हैं, लाइफ फिलोसफी, बुक ऑफ लाइफ फिलोसफी, ये जीवन दर्शन का ग्रंथ है।
और इन्हीं ग्रंथों में इस एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का पूरा इतिहास भरा हुआ है। साथियों, आयुर्वेद के ग्रंथ में मर्मदाब बिंदुओं का चर्चा किया गया है। चूंकि मर्मदाब एक ऐसा शरीर के महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे महर्षि सुश्रुत ने इन मर्म बिंदुओं का स्थान मांस जो स्नायु बोलते हैं स्नायु शिरा अस्थि के संधि स्थानों पर इन मर्म बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि शरीर में 107 मर्म बिंदु है, इन सभी मर्म बिंदुओं का आगे जाकर के लोगों ने क्या है इस पर विकास किया, वर्ग किया, शोध किया है और उसे अलग अलग नामों से समाज के सामने रखा है, जिसे एक्यूपंचर कहते हैं या कहीं पे और अलग थेरेपी के नाम से इसको जाना गया है। मित्रों, दूसरा जो दिया गया है सूची वेदन। सूची अर्थात सुई है, कील जैसा नुकीला कांटेदार कोई वस्तु जो शरीर में चुभाकर वहां के वात विकार को दूर करने की प्रक्रिया आयुर्वेद में पूर्व से वर्णित है, जिसे लोग आज एक्यूपंचर कहते हैं। तीसरा नंबर है अव्यंग। अव्यंग मतलब मालिश। शरीर के विभिन्न स्थानों को अपने हाथों से पैरों से मसाज देकर के, केवल हाथ से नहीं पैर से भी मसाज देने की परंपरा प्राचीन काल में प्रचलित रही है। तो मसाज अर्थात शरीर के वायु विकार को दूर करने के लिए हमारे मांस को, हमारे स्नायु संस्थान को और हमारे शरीर के पूरे तंत्र को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए ये मालिश की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रही है। और चौथा जो है नाड़ी शास्त्र। नाड़ी शास्त्रों के बारे में विस्तृत जहां कहीं वर्णन मिलता है वो हमारा आयुर्वेद के ग्रंथ है। इसलिए आयुर्वेद को एक्यूप्रेशर का सबसे प्रथम ग्रंथ, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर का प्रथम ग्रंथ माना जा चाहिए। साथियों, फादर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर महर्षि सुश्रुत को हम फादर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्जरी के भी फादर है। तो निश्चित तौर से इनको सारे मर्म बिंदुओं का ज्ञान रहा है, कौन से मर्म बिंदुओं को कहां से किस प्रकार से ऑपरेट किया जाए, किस प्रकार से प्रेशर दे दिया जाए, किस प्रकार दबाव दिया जाए और शरीर के किन बिंदुओं को पंचर करके हम अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है और इसमें मर्म के बारे में भी बड़े महत्वपूर्ण चर्चा महर्षि सुश्रुत ने किया है। साथियों, कभी भी पढ़ने का मौका मिले तो आप सुश्रुत संहिता का अध्ययन जरूर कीजिए। थोड़ा सा इतिहास को और हम आगे चलते हैं इसके बाद के इतिहास को, तो लगभग 4000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के काल में यह अपने उन्नति की चरम पर थी। अर्थात जो बौद्ध काल था, वो बौद्ध काल, बौद्ध अनुयायी जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वो संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करके वो चलते थे नंगे पैर। मित्रों, इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, किसी प्रकार कष्ट कठिनाई हो उसके लिए उन्होंने आयुर्वेद में वर्णित इन मर्म बिंदुओं को अपने जीवन में आत्मसात किया था। चूंकि बौद्ध अनुयायी केवल भारत में प्रचार नहीं किए, भारत के बहुत सारे उपमहाद्वीप, श्रीलंका, जापान, कोरिया, चीन, ऐसे बहुत से उपमहाद्वीप हैं जहां पे वे अपने बौद्ध धर्म का हमारे भारत से प्रचार किया। इसका सम्यक विकास चीन के देश में एक्यूपंचर के रूप में हुआ। वहीं जापान में जाकर के ये आपका अलग से पद्धति के रूप में हुआ। कोरिया में जाकर के आपका सुजो के रूप में हो गया। जापान में सियासु के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीलंका में ये एक्यूपंचर ही है जो आपका चाइना से वहां पे आया। तो कुल मिलाए कहा जा सकता है साथियों कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का वर्णन चूंकि बौद्धों ने आयुर्वेद के शास्त्र को अपने साथ ले गया और वहीं रचे बसे अपने जीवन खपा दिया और वहां के लोगों ने इस ग्रंथ का क्या किया, इन ग्रंथों का अध्ययन किया, इस ग्रंथों में रिसर्च किए और उसमें जो वर्णित जो चिकित्सा के जो विज्ञान है उसको उन्होंने विकसित किया अपने अनुसार। निश्चित तौर से उनको हम श्रेय दे सकते हैं कि इन्होंने एक्यूप्रेशर पे महत्वपूर्ण कार्य किया है, शोध अनुसंधान किए हैं जो अलग अलग नामों से समाज के सामने में दृष्टिगत हुआ। डॉक्टर एंटन जसूरिया के अनुसार श्रीलंका और भारत के में मिले जो शिलालेख हैं, पत्थरों में जो लिखा गया है जो कि 2000 से 4000 वर्ष पुराना, जो पुराने एक्यूपंचर को दर्शाता है। और साथियों, प्राचीन काल में केवल ह्यूमन बॉडी पे पंचर होता था ऐसा कोई बात नहीं, इसमें तो मानव शरीर के साथ साथ घायल हाथी घोड़ों की चिकित्सा का भी वर्णन है। जो हमारे पेट एनिमल है, पालतू पशु है, इनका भी उपचार एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर द्वारा दिए जाने का वर्णन है। चूंकि इसका प्रमाण है, शिलालेख है और शिलालेखों के माध्यम से हम उसको इसकी प्रमाण
प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं कि एक्यूप्रेशर के इतिहास बहुत प्राचीनतम है और कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता है इसमें शोध, अनुसंधान और आगे बढ़ने का। साथियों, विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर को जाना जाता है। अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी, इसको रिफ्लेक्सोलॉजी को हम लोग कहते हैं, जो मर्म बिंदु, या फिर इसको हम एक तरह से मर्म बिंदु तो नहीं कहेंगे, इसको रिफ्लेक्सोलॉजी मतलब प्रतिबिंब चिकित्सा कहते हैं। शरीर में अलग अलग जगहों पे शरीर के अलग अलग प्रतिबिंब की चिकित्सा है। जापान में सियासु का मतलब होता है, इसमें जोनोलॉजी भी कहा जाता है, इसको शरीर को अलग अलग जोन में डिवाइड करके इसकी चिकित्सा भी। चीन में एक्यूपंचर मेरिडिनोलॉजी के रूप में है। जर्मनी में इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के रूप में है, डॉक्टर रेनॉल्ड वाल्म ने इसको एक्यूपंचर, जो कि एक्यूपंचर चाइना के देना है, लेकिन उसको और अधिक विकसित करने के लिए इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण अलग अलग आधुनिक यंत्रों का निर्माण किया और इसे इलेक्ट्रो एक्यूपंचर का रूप दिया। कोरिया या रूस में सुजोक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको स्वीकार किया। वैसे साथियों, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, अलग अलग नामों से है, लेकिन कुछ नाम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। यदि अब हम भारतीय संस्कृति में दृष्टिपात करें तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का इतिहास हमारे भारतीय संस्कृति में रची बसी है। साथियों, रामायण काल देखते हैं तो रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र के जो पैर दबाने की जो एक प्रक्रिया है, जो सुबह उठ करके नित्य प्रतिक्रिया करते थे, साथियों कहीं ना कहीं ये एक्यूप्रेशर से संबंध रखता है। आप अपने जीवन देखिए ना, जब हम छोटे थे उस समय अपने दादा अपने पिताजी के पैर दबाया करते थे और निश्चित तौर से उसको लाभ मिलता था, बड़े रिलैक्स मिलता, थकावट दूर हो जाती थी। तो ये जो हमारे रामायण जैसे ग्रंथों में पूर्व से वर्णित है, प्रात काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, जो माता पिता के चरणों में और उनके चरणों की सेवा करने की जो प्रक्रिया है, कहीं न कहीं इससे संबंध रखता है। साथियों, रामायण में एक जगह और जो एक्यूप्रेशर का बड़ा विस्तृत अच्छे जो जीवंत उदाहरण कह सकते हैं, माँ अहिल्या के बारे में। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को श्राप मिल गई थी और उसके बारे में आप जानते हैं। कहा जाता है उसको पत्थर का बना दिया गया था, मैं तो पत्थर नहीं था, पथराई मूर्ति की तरह हो गई थी। जब उनकी कोई गलती ना हो करके उस पे उसके जीवन में छल हुआ, तो छल के कारण ही महर्षि गौतम ने उसको श्राप दिया। तो उस श्राप से माता अहिल्या जो पथराई मूर्ति की तरह थी, पत्थर की नहीं थी, और उस पथराई मूर्ति की तरह जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसे भगवान राम ने आकर के उनके उन मर्म बिंदुओं को टच कर दिया, जिसके उसके जीवन में पुनः फिर से वही सब कुछ आ गया जो पूर्व में था। तो मित्रों, जो हाथ का जो स्पर्श है, जो पर्टिकुलर शरीर के उन बिंदुओं पर स्पर्श किया, जहां उन मर्म बिंदुओं पर स्पर्श किया, जिसकी प्राण से पथराई हुई जीवन भी क्या है, खिल उठा। अभी भी आप देखते हैं, कभी किसी व्यक्ति को शौक लग जाता है, बिल्कुल क्या है, व्यक्ति पथराई मूर्ति की तरह बिल्कुल एकटक देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसके जीवन में कोई हलचल नहीं होती, बोल नहीं पाते। तो इतिहास है जो रामायण महाभारत कहीं भी देख लीजिए, वहां पे सूत्रबद्ध किया गया है, सूत्र के रूप में उसे पिरोया गया है। महाभारत काल में देखें तो धनुर्विद्या का ज्ञान, मित्रों धनुर्विद्या का ज्ञान तो मर्म बिंदुओं के ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। जो शरीर के 107 जो मर्म बिंदु है, इसका ज्ञान धनुर्विद्या में पहले से वर्णित है कि कहां पे हम क्या धनुष बाण लगाएं। रामायण में कहते हैं कि जब रावण नहीं मर रहे थे तो उसके भाई विभीषण ने बताया राम को, उसने नाभि को आप क्या है उसे बाण में लगाइए, तीर लगाइए उस पे। और महाभारत में जो इच्छा मृत्यु के वरदान जो भीष्म पितामह को था, तो भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के वरदान को, उसकी वरदान को सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने ऐसे शरीर के बिंदुओं को उनने तीर लगाया, उससे मृत्यु नहीं हुई उसकी। और मन बिंदुओं पे साथियों अधिक बाण लग जाती तो निश्चित तौर मानिए कि शरीर की मृत्यु हो सकती थी, जिससे मृत्यु हो मारियंती थी मर्मा का, जिसकी
ठोकर लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो हमारे मर्म बिंदु है। तो मर्म बिंदुओं का चोट लगने मात्र से व्यक्ति को क्या है मर्मांतक पीड़ा होती है, और ज्यादा चोट लगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इतिहास हमें बताता है कि एक्यूपंचर का इतिहास तो भारतीय संस्कृति का इतिहास है, भारतीय परंपरा का इतिहास है, जो प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत शोध किया, और जो धनुर्विद्या का जो ज्ञान है, शरीर को कहाँ पे कितना बेदना है कैसे करना है, ये तो धनुर्वेद में पहले से ही वर्णित है। अब यदि इस रामायण और महाभारत से आगे चले तो हमारे वेद, और वेद से जो उत्पन्न जो उसके एक भाग जिसे हम लोग कहते हैं उपनिषद, तो उपनिषद में त्रिषित ब्राह्मण उपनिषद में मर बिंदुओं पर प्रत्याहार करने की बात ऋषियों ने कही है। अब प्रत्याहार मतलब आप बाह्य विषयों से मन को हटाकर शरीर के अंदर उन पर्टिकुलर मर्म बिंदुओं पे अपने मन को एकाग्र करें और वहां की ऊर्जा को विकसित करें। इस तरह की बात हमारे ऋषियों ने बात कही है ब्राह्मणोपनिषद में, और साथ साथ मित्रों इसमें पंच तत्वों का भी ज्ञान किया, पांच तत्वों को शरीर किस प्रकार संतुलित किया जाए, क्योंकि सारे रोगों की जो जड़ है ये पंच तत्व ही है। इसके साथ योग तत्व उपनिषद में मित्रों बहुत सारे उपनिषद में वर्णन है, मैं एक एक का चर्चा करूं तो पूरे पूरे मुझे घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं एक या दो के बारे में बात करता हूं। लय योग के अंतर्गत उसमें अलग अलग योग जो चार योग दिए हुए हैं, उसमें आपका हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग, ये चार योग है। इन चारों योगों में लय योग के अंतर्गत जो चार अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, परिचय अवस्था में तो पंच तत्वों का विशद वर्णन है। ये पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्वों का संतुलन कैसे किया जाए, इस संतुलन का विज्ञान है। साथ ही साथ मित्रों इसमें तो हमारे टंग जीभ के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है कि टंग को देख करके कितना निकला हुआ है, किस तरह से है, उसकी आकार बनावट कम निकला है, ज्यादा निकला है, लेफ्ट में है, राइट में है, इन सभी का वर्णन हमारे योग के ग्रंथों में है। आवश्यकता केवल हमें शोध और रिसर्च का है, देखें उसे, जानें और उस पर कुछ करने का है। अब साथियों आगे और देखें, क्योंकि ऋषियों ने कर्ण छेदन की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कारों में एक ये हमारा संस्कार है कर्ण छेदन, और कर्ण छेदन जो प्रखर बुद्धि और जिह्वा पर नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पे देखो इरेगुलर थेरेपी का मैंने एक फोटोग्राफ दिया है। मित्रों अपने कान के स्ट्रक्चर को भी आपने ध्यान से देखा है क्या, हमारे कान की बनावट वैसे जैसे माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, छोटा सा शिशु 9 माह जब माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं और उसकी जैसी बनावट है वैसी सेम बनावट यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, सेम बनावट यहाँ पे हमारे कानों की है। सबसे नीचे वाले पार्ट साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट जो है ये हमारे सर वाले भाग है, जहाँ पे आँख और जीवा सब कुछ वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ पर आपका कान में विशेषतर बहनों के कानों में जो बाली या फिर हम लोग कहते हैं कान में जो पहनाया जाता है झुमका, कुछ भी आप पहनते हैं वहां पे, आप जिस बाली जहां पहनते हैं वहां पे वो आपके टंग का बिंदु है, जीवा का। अच्छा जीवा के पार्ट को छेदने की बात क्यों कही गई है, ये जीवा को छेदने का मतलब है आपकी वाणी में मधुरता हो, सरसता हो, वाणी मिठास हो और वाणी पे नियंत्रण हो, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना भी जो युद्ध या कह सकते हैं जो घर में मातम होते हैं वो सारे सारे कहीं ना कहीं हमारी इस वाणी से होती है, गृह कलेश या गृह कला जो कहते हैं उन सभी का कारण वाणी है। इसलिए ऋषियों ने सोचा क्यों ना पहले से ही इस वाणी को नियंत्रित कर दिया जाए, इसको पंचर पहले कर दिया जाए। तो मित्रों इस कर्ण छेदन के पीछे बड़ा विज्ञान है, बड़ी लॉजिक रही है, और विस्तार से जानने के लिए इसके बारे में हम सबको अध्ययन करना चाहिए और महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में। साथियों हम लोग इस चिकित्सा करते हैं और इसका उपचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कान हमारे आकाश तत्व का प्रतीक है और आकाश पांचों तत्वों में से सबसे सूक्ष्म बिंदु है, तो इन सूक्ष्म बिंदुओं पर यदि उपचार किया जाए, यदि कुछ भी नहीं तो केवल कान का आप मसाज तो कीजिए ना, छोटे बच्चों के कान के मसाज कीजिए। स्कूलों में जब हम पढ़ते थे गुरुजी हमें क्या है वो मुर्गा बनाया करते थे, मुर्गा जब बनते थे या दंड बैठक या जो भी करते थे उठक बैठक लगाते थे, तो कहीं ना कहीं हम कान की इसी बिंदुओं को बैठ करके अप एंड डाउन करते थे,
मित्रों, इसके दंड विधान में भी हमारा हित ही छिपा हुआ था। हमारा बुद्धि प्रखर बनती थी, हमारे मेमोरी पावर विकसित होता था। इससे ये अद्भुत इतिहास है, कर्ण छेदन का इतिहास, और कानों के और बहुत सारे बिंदु हैं। कहाँ पे छेद करें कि अस्थमा के रोग ठीक हो जाए, कहाँ पे छेद करें तो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस ही ना हो जिंदगी में। तो ये सारे के सारे अलग अलग हैं, और कुछ जगह पे तो ऐसे बिंदु मित्रों जहाँ पे छेद करने से व्यक्ति को एलर्जी है, तो एलर्जी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो इन सारे इतिहास को हमें देखना पड़ेगा, और बड़े गहराई से देखकर इसको चिकित्सा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये तो अद्भुत है। शरीर के वस्त्राभूषण की अगर दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे भारतीय इतिहास में तो ऋषियों ने इसे क्या है, एक जीवन जीने की कला के रूप में बना दिया है। इसको किसी बिजनेस या थेरेपी के मॉडल के नहीं दिया, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में ऋषियों ने पिरोया है। जैसे बाजूबंद, आप बाजूबंद देखते हैं मित्रों, जब कोई युद्ध करने जा रहे हो तो उस समय उसके बाजूबंद, और राजस्थान में हमारी बहनें तो अभी भी बाजूबंद लगाती हैं। बाजूबंद मित्रों, ये हमारे हृदय, फेफड़े और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर क्षमता, एक मतलब जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने से व्यक्ति के अंदर में उसकी पहले नंबर वन तो उसकी मन जो है उसके नियंत्रण हो जाती है। मित्रों, जहाँ पे पहनते, देखिए हनुमान जी की ताबीज भी आप यहीं पहनते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मारुद तुल्य वेगम, मतलब हम हवा हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा विकसित होती है मित्रों, यहीं पे LU4 होता है। LU4 एक ऐसा हमारे मसल्स के एक ऐसा पॉइंट है जिसको दबाने मात्र से बॉडी में एक्सेस अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। पहलवानों को देखिए, यहीं पे ठोकते रहते हैं। आप भी इस जगह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते बाजूबंद तो क्यों नहीं, इसको दबाइए, प्रेशर दीजिए, योग के माध्यम से इसको नियंत्रित कीजिए। दूसरा नंबर है पायजाब, जो पैर में पहनते हैं मित्रों। इस पायजाब पहनने से क्या है, जननेन्द्रियों पर नियंत्रण, हमारे जो जननेन्द्रिय है। अच्छा, नॉर्मली तौर से देखा जाए पुरुषों की अपेक्षा बहनों के लिए सबसे बड़े क्या है, ये हमारे लिए कष्टकारी होता है, नुकसानदायी होते कई प्रकार के, उनके मंथली जो मासिक धर्म होते हैं उसके साथ साथ और भी जो शिशु जन्मने से लेकर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो बहनों के लिए ज़्यादा कष्टकारी ना हो इसलिए हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों ने कहा कि महिलाओं माताओं बहनों को क्या पहना दिया जाए, पायजाब। तो पायजाब का इतिहास ऐसा ही नहीं है, कोई ये बेड़ी नहीं है, इसको तो उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान रख करके हम ऋषियों ने इसको पहनाया है। यदि आप नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, इसमें केवल केवल मसाज दीजिए, इसको दबाव दीजिए, डेली सुबह शाम इस पे मालिश कीजिए। साथियों, यदि आप अपने टखने से 4 अंगुल ऊपर के भाग को अगर डेली मसाज करते हैं, तो मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि आपके जो कटी प्रदेश, नाभि से नीचे प्रदेश में होने वाली सारी विकृतियों से मुक्त हो सकते हैं, जिसमें विशेषतर ओवरी और यूट्रस है। तो साथियों, इससे हम मुक्ति मिल सकती है। तीसरा नंबर है बिंदी, जो माथे में जो बिंदी लगाते हैं वो भी लाल कलर का, क्षमा कीजिएगा, आज तो माताएं बहनें हरा पीला नीला पता नहीं जो भी हो, काला जो भी कलर मिलता है उसकी बिंदी फैशन चल गया है। ये फैशन नहीं है, इट इज साइंस। यहाँ पे लाल कलर है, और कभी कभी ऋषियों ने यहाँ पे चंदन लगाने की बात है श्वेत वर्ण में, नियंत्रित हो। लाल कलर उत्तेजना पैदा करती है बॉडी के अंदर में, हमारी आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। क्योंकि मित्रों, जहाँ पे हम लोग ये आपका जहाँ बिंदी लगाते हैं, बिंदी के अगर अंदर भाग मस्तिष्क के बीच वाले भाग देखा जाए तो वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मास्टर ऑफ ग्लैंड्स का है, और ये मास्टर ऑफ ग्लैंड्स हमारे पूरे पूरे विचारों हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर ये एक्टिवेट रहे तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से और मानसिक और शारीरिक और क्यों से उनकी जो बॉडी के हार्मोन्स लेवल है उसको भी बैलेंस कर सकता है। कितना बड़ा इतिहास है। अब इतना ही नहीं, शादी के बाद माताओं बहनों का तो मांग भरने की प्रक्रिया है, रक्त लाल कलर की साड़ी पहनने की प्रक्रिया है। ये सारे जो लाल कलर है ये हमारे अंदर में क्या है, रक्त का संचार शरीर में पर्याप्त मात्रा में करता है, उत्तेजना पैदा करती है। यदि कमर बंद को देखा जाए, कमर बंद मोटे कमर पट्टी के रूप में लगाते हैं, मूलाधार व किडनी की शक्ति को नियंत्रित करता है ये कमर बंद।
मूलाधार जो कि हमारी स्थूल शरीर के लिए कंट्रोलर के रूप में कार्य करती है, और किडनी तो हमारे किडनी में तो हमारे जीवन का लाइफ एसेंस जीवन सत्य समाहित होती है। मित्रों, ये जीवन सत्य को हम कैसे विकसित करें, ऋषियों ने इसे पहले ही जानते थे, इसलिए उन्हें कहा कि माताओं बहनों को ज्यादा आवश्यकता है और इन आवश्यकता को ध्यान रखकर के कमर बंद लगाया गया। और एक मजेदार की बात बता दूं मैं, हमारे शरीर में जो वात पीत और कफ का नियंत्रण करने के लिए जो हमारे अपर बॉडी पार्ट में, वहां तो उन्होंने सोने का पहनाया, नाक में देखिए, कान में देखिए, सभी में सोने के हम लोग बाली, सोने के हम लोग कान के झुमके, सब कुछ सोने के पहनते हैं। लेकिन नीचे वाले प्रदेश पे जरा गौर कीजिएगा, सभी चांदी के होते हैं, क्योंकि नीचे पित्त के स्थान है, ऊपर कफ का, कफ को चूंकि सोना है, सोना हीट है, गर्म प्रकृति का है, उसे नियंत्रित करता है, और नीचे गर्म है तो चांदी हमारे का है, ये जल तत्व का प्रतीक के रूप में आपकी गर्मी को, आपके वात और पित्त को नियंत्रित करता है। अद्भुत इतिहास है साथियों, तो इस अद्भुत इतिहास को आप लोग जान सकते हैं, ऋषियों ने किस प्रकार के दिव्य ज्ञान हमारे इन शास्त्रों के माध्यम से, इन एक्यूप्रेशर एक्यूबिंदुओं के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अंगुलियों पे जड़े गए नगीने मतलब छोटे छोटे जो अलग अलग प्रकार के, जो चाहे उसे पुखराज, पन्ना, कई प्रकार के हीरे मोती बहुत सारे होते हैं, इनको जड़े जाते हैं। और ये जो हीरे मोती, ये पुखराज, पन्ना, जितने भी आप ग्रहों के प्रतीक जो पत्थर के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको अलग अलग एंगल बना करके जो जड़े जाते हैं और अंगूठियों पे उस नगीने को पहनते हैं, मित्रों इसके द्वारा हमारी शरीर की ऊर्जा कॉस्मिक ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित करता है, और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ है उसमें विस्तार से वर्णन किया। इसके द्वारा मानसिक संतुलन, ग्रहों का संतुलन और हमारे शरीर के हार्मोन्स का भी हम संतुलन इसके द्वारा कर सकने में सक्षम होते हैं। योगिक दृष्टि में देखें तो योग शास्त्र में जो हस्त मुद्राओं का जो प्रयोग किया जाता है और योगिक मुद्राओं का जो प्रयोग होता है, हस्त मुद्राओं में हम लोग ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, बहुत सारे मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, और मंत्र शास्त्र में तो माला जप करते समय विशेष मुद्राओं का प्रयोग करके हम लोग मंत्र जप का प्रयोग करते हैं। मित्रों, जिन स्थानों पे हम लोग प्रेस करते हैं, देखिए अंगूठा और उंगलियों, इंडेक्स फिंगर के टॉप वाले भाग को इसको टच करते हैं मित्रों, हमारे मानसिक क्षमता में अद्भुत विकास होता है, जिसे ज्ञान मुद्रा के रूप में जानते हैं। अब ये ज्ञान मुद्रा जब होती है तो मस्तिष्क की क्षमता का विकास होता है। दूसरा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं जो शशक आसन के रूप में है, इस शशक आसन में जिस फोरहेड को जमीन में टच किया मित्रों, ये हमारे मानसिक संतुलन के लिए, हमारे तनाव स्ट्रेस को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इन बिंदुओं का प्रेशर पड़ता है व्यक्ति सहज क्रम में कहा संतुलित होता, शरीर की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ऋषियों ने इसे एक जीवन पद्धति के रूप में, क्योंकि वे ऑफ लाइफ, योग को तो वे ऑफ लाइफ ही कहा जाता है, ये जीवन जीने का पद्धति की है, पद्धति है, इसको हम लोग जीवन में पिरो सकते हैं, और ऋषियों ने साथियों यही काम किया है। तो योगिक दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी योग की प्रक्रिया है, चाहे आसन है, चाहे कोई भी आसन करते हैं, इसमें कोई ना कोई मर बिंदु हमारा दबता ही है, और वे मर बिंदु जिसको हम बिंदु कहते हैं, मर्मदाब बिंदु कहते हैं या एक्यूप्रेशर के बिंदु कहते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर इज ए वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है, और हिंदी में तो उसको मर्मदाब बिंदु ही कहेंगे, मर्म के पर्टिकुलर बिंदु है, और उसको विकसित किया गया है, और विकसित करके उसको उपचार करने की प्रक्रिया सन्निहित की है हमारे ऋषियों ने। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये ज्ञान, निश्चित तौर से यदि अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मित्रों इसमें और भी दिव्य ज्ञान अगली कड़ी में देने वाले हैं, जो कि सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांतों को जानने के लिए आप अगली कड़ी जरूर देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम।